दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक से। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना चाहिए कि इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन है वो एंड नॉर्मन्स मेमोरी मॉडल। क्या है ये मेमोरी मॉडल, आइए डिस्कस करते हैं। बिफोर 1965 अ साइकोलॉजिस्ट नेम विलियम जेम्स गेव ए मॉडल मेमोरी मॉडल विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मॉडल। And we can say that the primary and secondary models are the departure point of the new psychologist theories. जो primary और secondary का जो model William James ने दिया था, ये model जितनी भी future में modern psychologist हुए उनके लिए starting point का काम करता था। लेकिन William James ने जब model दिया तो उन्होंने कुछ चीज़ों को properly ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे प्राइमरी मेमोरी की क्या फंक्शन है, सेकेंडरी मेमोरी की क्या फंक्शन है। उन्होंने मॉडल दिया, मॉडल को प्रिपेयर किया, एक वेल गुड मॉडल था। इन्हीं के मॉडल को वो और नॉर्मन्स ने 1965 में अडॉप्ट किया और इस पर प्रोसेस स्टार्ट किया और उन्होंने पाया कि दिस इज़ द ब्रिलियंट मॉडल ऑफ ऑल टाइम, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन की प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया, उनकी जो मॉडल में विशेषता थी, उन्होंने बताया कि जो हमारे माइंड में जो प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल है, प्राइमरी मेमोरी हमारे दिमाग में एज ए बॉक्सेस कंपार्टमेंट के रूप में अवेलेबल होती है। बॉक्सेस की वैल्यू होती है, मेमोरी उसी में जाके स्टोर होती है बॉक्सेस में। अकॉर्डिंग टू वो और नॉर्मन, जो हमारी मेमोरी लॉस होती है उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हमारी जो फर्स्ट बॉक्स में जो मेमोरी स्टोर है और जो लास्ट बॉक्स में मेमोरी स्टोर है, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाती है मेमोरी की तो आइटम रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर प्राइमरी मेमोरी में 6 ही बॉक्सेस अवेलेबल हैं तो जैसे ही 7th स्टेज की इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी वो ऑटोमेटिकली बॉक्स वन की वैल्यू को रिप्लेस कर देगी और इसमें अपनी जगह बना लेगी। जो वन वैल्यू की, या फिर हम कहें जो बॉक्स वन की जो वैल्यू थी करंटली, अब वो चेंज होकर हो गई है 7 और हमारी जो वैल्यू थी, इंफॉर्मेशन थी 1 नंबर की, वो हो चुकी है लॉस। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग केवल टाइम कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन के साथ ज़्यादा टच रहते हैं तो वही आपके माइंड में स्टोर होती है वो वैल्यू, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो स्टोर होती है। उनके अकॉर्डिंग जो था कि जितनी हमारे माइंड में बॉक्सेस अवेलेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी स्टोरेज में सपोर्ट करती है। उन्होंने इसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उसमें पाया, उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स को सबसे पहले 1 डिजिट पर सेकंड याद करने के लिए दिए, उनको 15 वर्ड्स दिए गए। उन्होंने पाया कि सभी सब्जेक्ट्स को या कैंडिडेट्स को केवल 5 से 7 ही वर्ड्स याद रह रहे थे। फिर उन्होंने टाइम चेंज किया, टाइम की जो वैल्यू थी उसको चेंज किया, ये देखने के लिए क्या टाइम डिके ऐसा कोई फैक्टर है जो मेमोरी लॉस का कारण है। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि पहले जो 1 सेकंड में 4 वर्ड याद कर, पहले जो 1 सेकंड में केवल एक ही वर्ड उनको दिखाकर याद करवाया जा रहा था, उसको चेंज करके 1 सेकंड में 4 वर्ड कर दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि जब 4 वर्ड कर दिया तब भी जो रेशियो था इन्फॉर्मेशन का, 5 से 7 वैल्यू उनको हमेशा याद रह रही थी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पाया कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो बॉक्सेस के रूप में होती है और टाइम डिके कोई फैक्टर नहीं है इन्फॉर्मेशन लॉस होने का, केवल और केवल जो इन्फॉर्मेशन आपके बॉक्सेस में या कंपार्टमेंट जो है, जितना आप उसमें अवेलेबिलिटी रखते हैं वही इन्फॉर्मेशन केवल स्टोर हो पाती है। अगर उससे ज़्यादा हम करते हैं तो आइटम रिप्लेस होते रहते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन लॉस होता रहता है कंटिन्यूस। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन को बार बार रिहर्स कर लेते हैं, जो कि उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आ गई है बॉक्स में, अगर हम उसको बार बार रिहर्स करते हैं तो
तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है।